हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस यानी विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो से पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी बुक क्लास 8 का लेसन 1 और लेसन 2 का क्वेश्चन बैंक देख चुके हैं। आज हम लेसन 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक को देखेंगे। ये लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और प्रत्येक साल कोई ना कोई क्वेश्चन इससे सीटेट में अवश्य रहा है। तो चलिए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम आदि डैश 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 अथवा डैश 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 से प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर संश्लेषित रेशे मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। ऑप्शन ए पौधों, ऑप्शन बी जंतुओं, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। अगर सीटेट में ये प्रश्न पूछा जाएगा तो इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। उसके प्रत्येक ऑप्शन में दो दो आपका शब्द रहेगा, जैसे में पौधे और जंतुओं, दूसरे में रहेगा पेड़ पौधे या कोई और जैसे कपड़ा वगैरह जो भी होगा उसको यूज किया जाएगा। इस तरह से आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, थोड़ा से हार्ड बनाए जाएंगे। यहाँ तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है आपको कि दो भरने हैं, तो यहाँ पे पौधे और जंतु होगा। इसके साथ इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं, निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशे को चुनिए। तो वहाँ पे आपको कपास, ऊन, रेशम को चूज करना होगा। इसके अलावा एक और प्रश्न पूछा जा सकता है कि मानव निर्मित रेशे किसे कहते हैं, को जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, जो मानव द्वारा बनाए जाते हैं उसे मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। और इसके अलावा एक और प्रश्न बन जाएगा कि संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं। ऑप्शन में आपको मानव निर्मित होगा तो उसे टिक करना पड़ेगा। तो जो वर्ड इसमें लिखे गए हैं, जो वाक्य इसमें लिखे गए हैं, प्रत्येक वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आराम से वीडियो देखिएगा, बहुत ही यूजफुल है आपके लिए और सीटेट का एक मार्क्स तो आपका आज फिक्स हो ही जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त डैश डैश से बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए रेशों, ऑप्शन बी फाइबर्स, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट टिक कर देंगे रेशों, लेकिन रेशे को अंग्रेजी में फाइबर्स कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे पूछा जा सकता है कपड़े प्राकृतिक अथवा कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त डैश डैश से बनाए जाते हैं। ऑप्शन में आपका रेशे ना दे के फाइबर्स दे सकता है, तो आपको चूज करना होगा फाइबर्स। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पॉलीमर शब्द, दो शब्दों पॉली तथा मर कौन सी भाषा से लिया गया है, जहां पॉली का अर्थ अनेक, पॉलीमिस क्या होता है अनेक, तथा मर का अर्थ भाग अथवा इकाई है। मर का अर्थ क्या होता है, भाग अथवा इकाई, इकाई भी उसे कहते हैं। अतः एक पॉलीमर या बहुलक बहुत सी इकाइयों के दोहराने से बनता है। पॉलीमर का दूसरा नाम है बहुलक। अंग्रेजी में बहुलक को पॉलीमर कहते हैं, जहां प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। यहां याद रखिएगा, प्रत्येक छोटी इकाई एक क्या है, रासायनिक पदार्थ है। तो यहाँ पे हमें पूछा गया था ये प्रश्न कि कौन सी भाषा से लिया गया है जो पॉलीमर दो शब्दों से जो मिलके बना है, तो ये किस भाषा से लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है ए जर्मन, ऑप्शन बी ग्रीक, ऑप्शन सी भारतीय, ऑप्शन डी हिंदी। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी होगा, ग्रीक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में डैश 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 इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है ग्लूकोज, ऑप्शन बी है पटसन, ऑप्शन सी है रेहान और ऑप्शन डी है अल्कोहल। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा, ग्लूकोज। इसके साथ ही कपास क्या है, एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है, ये भी शब्द याद रखिएगा। सेलुलोज किससे संबंधित है, कपास से। कपास क्या है, एक बहुलक है। बहुलक ऊपर भी बताया गया है, तो बहुलक शब्द याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, रेशम की कीट की खोज कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी कनाडा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी चीन। रेशम की कीट की खोज चीन में हुई थी और इसे बहुत दिन तक छुपा के रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, 19वीं शताब्दी के अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशा कहलाया। देखिएगा यहाँ पे नाम लिखा गया रेयॉन यानी रेशम,
जब भी पूछे कि रेयॉन किससे संबंधित है तो ये रेशम से संबंधित है। यानी यहाँ पे एक प्रश्न और इसमें सीटेट में बनता है कि निम्न का मिलान करें, उसमें रेयॉन दे देगा तो वो किससे संबंधित हो जाएगा आपका, रेशम से, कि रेशम समान होता है। या ये भी पूछा जा सकता है कि रेयॉन का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम इसका क्या है, कृत्रिम रेशम। रेयॉन को डैश डैश के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। देखिएगा यहाँ दो प्रश्न और बन रहे हैं, पहला कि रेयॉन को डैश डैश डैश, और दूसरा है कि जब दोनों को मिलाया जाता है तो क्या बनता है, को बिस्तर की चादरें बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बिस्तर की चादरें बनाते हैं। इसके अलावा एक प्रश्न और बन रहा कि ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। ऊन के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, कालीन या गलीचा। क्या मिलाते हैं, तो ऊन मिलाते हैं। तो पहला यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी है रेशम, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो रेयॉन के साथ क्या मिला के बिस्तर की चादरें बनाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कपास। रेयॉन के साथ अगर कपास मिलाते हैं तो बिस्तर की चादरें बनाते हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये प्रश्न विशेष रूप से आप लोगों के लिए है, जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए है। आप वीडियो देखें और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। संश्लेषित रेशे के प्रकार हैं ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 5। ये प्रश्न क्यों पूछा गया है, क्योंकि सीटेट में जब प्रश्न आता है तो उसमें एक प्रश्न निश्चित ये रहता है कि आप इनमें से संश्लेषित रेशे को चुनिए कि कौन इसमें से संश्लेषित रेशे हैं। तो वहाँ पे अगर आप आंसर देते हैं ऑप्शन बी 4, तो चारों के नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, ताकि हमें पता चले कि चारों के नाम आप जानते हैं, या पांच बोलते हैं तो पांचों के नाम आप लिख के दिखाइए कि कौन कौन से हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट में ये प्रश्न आ चुका है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये है नायलॉन के बारे में। नायलॉन के बारे में भी सीटेट में एक प्रश्न आ चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है नायलॉन भी। नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है, इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था, यह प्रथम रेशा था जो पूर्ण रूप से संश्लेषित था। नायलॉन रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का था, यह चमकीला और धुलने में सुगम था। जो भी बोल्ड दिखाई दे रहा उसे आपको याद करना है। अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है, बहुत मजबूत होता है नायलॉन। नायलॉन से निर्मित कई वस्तुओं को उपयोग में लाते हैं, जैसे जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने का ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग, कोस्ट में है ये सैन थैला, पर्दे आदि। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों के निर्माण में भी किया जाता है। एक प्रश्न और भी सीटेट में आया था कि पैराशूट और चट्टान पर चढ़ने के हेतु रस्सों का निर्माण किया जाता है, वो कौन सा रेशा होता है, तो वो आपका नायलॉन है। इस नायलॉन की खोज कब हुई, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1931। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नायलॉन का निर्माण हुआ किससे हुआ है, ये को ए कोयले, जल और वायु, ऑप्शन बी पौधे या जंतु, ऑप्शन सी वायु, ऑप्शन डी सभी से। तो इसका करेक्ट आंसर पहले भी हमने बताया है क्वेश्चन नंबर 8 में, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कोयले, जल और वायु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। टेलीरिन एक लोकप्रिय डैश डैश है, इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु समान बुना जा सकता है। पेट पीटी एक बहुत सुपरिचित प्रकार का डैश 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 है, इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। यहाँ से भी एक प्रश्न आया हुआ है पेट के बारे में, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रत्येक साल पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन तो रहेगा ही इसमें से। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी एक्रिलिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो ऑप्शन ए होगा पॉलिएस्टर, दोनों जगह पॉलिएस्टर भरा जाएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक ही जगह पॉलिएस्टर एक्रिलिक लिखा जाएगा, दूसरे जगह एक्रिलिक और दोबारा एक्रिलिक हो सकता है, इसके बाद तीसरा ऑप्शन होगा पॉलिएस्टर और आपका पॉलिएस्टर।
इस तरह से पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर दो जगह भरने वाला हो तो ऑप्शन में भी दो जगह मिलेगा। तो यहाँ पे भरा जा रहा है क्या, पॉलिएस्टर। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है, और इसके साथ ही मैं पॉलिएस्टर के बारे में बता दूं कि पॉलिएस्टर में सिलावटें नहीं लगती है। और दूसरी जगह इसमें भरा गया है कि पेट एक बहुत सुपरिचित प्रकार का पॉलिएस्टर है, इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। चलिए पॉलिएस्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलिएस्टर, पॉली प्लस एस्टर, वास्तव में एक रसायन जो एस्टर कहलाता है, एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। यहाँ पे ये भी प्रश्न बनता है कि फलों को गंध कौन प्रदान करते हैं, तो कौन प्रदान करते हैं, को एस्टर। निर्मित कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवोल, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जैसा कि नाम सुझाए जाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलकर बनाए जाते हैं, पॉलीकट यानी पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण है, पॉलीवोल पॉलिएस्टर और उनका मिश्रण है, जैसे नाम से ही ये स्पष्ट है। याद रखिएगा इसमें एक और नाम आया है टेरिकॉट, तो टेरिकॉट भी इसी में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हम सर्दियों में स्वेटर, साल अथवा कमलों का उपयोग करते हैं, इनमें से बहुत से वास्तव में प्राकृतिक ऊन से निर्मित नहीं होते, यद्यपि वे ऊन के सदृश मतलब समान दिखाई देते हैं। ये अन्य प्रकार के संश्लेषित रेशे से तैयार किए जाते हैं जो डैश डैश कहलाता है। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि डैश डैश से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती है। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। संश्लेषित रेशे अधिक टिकाऊ और पहुंच के भीतर होते हैं। ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी एक्रिलिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्रिलिक। याद रखिएगा जब भी स्वेटर वगैरह का बात हो, वहाँ संश्लेषित रेशे की बात हो, तो वहाँ पे नाम आएगा एक्रिलिक। एक्रिलिक मीन्स स्वेटर साल का रेशा, कौन सा, संश्लेषित यानी जो मानव द्वारा निर्मित हुआ है वो। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो डैश 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 कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊं, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं, लेकिन गर्म करने पर पिघल जाते हैं, बहुत डेंजर होते हैं। अगर आप संश्लेषित रेशे यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा बच के चलना चाहिए। आपको रसोई घर में उसे पहन के नहीं जाना चाहिए, उसका सामान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वहाँ पर यूज करते हैं संश्लेषित रेशे तो वो पिघल जाएंगे। अब यहाँ पर बात आ रहा है कौन कौन ऑप्शन है आपके पास, तो ऑप्शन ए पॉलिएस्टर, ऑप्शन बी एक्रिलिक, ऑप्शन सी पेट्रो रसायन, ऑप्शन डी सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेट्रो रसायन। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। संश्लेषित रेशे शीघ्र सूखते हैं, अधिक चलाऊं, कम महंगे, आसानी से उपलब्ध और रख रखाव में सुविधाजनक हैं, लेकिन गर्म करने पर क्या होते हैं, ये पिघल जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी एक बहुलक है। याद रखिएगा संश्लेषित रेशे की तरह प्लास्टिक भी क्या है, एक बहुलक है। सभी प्लास्टिकों में इकाइयों की व्यवस्था एक ही प्रकार की नहीं होती, कुछ में यह रेखीय होती है तो यह अन्य में यह त्रियकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध होती है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेखीय भी होती है और क्या होता है, त्रियकबद्ध यानी क्रॉसबद्ध भी होती है। प्लास्टिक उदाहरण है किसका, ऑप्शन ए पॉलीथीन यानी पॉली प्लस एथीन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी थर्माकोल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए पॉलीथीन। पॉलीथीन किन शब्दों से मिलकर बना है, तो पॉली प्लस एथीन से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, डैश 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 कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी डैश के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन सी थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन डी थर्माकोल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी थर्मोप्लास्टिक।
प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलिथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं। इनका उपयोग खिलौने, कंघियों और विभिन्न प्रकार के पात्रों के बड़े पैमाने पर निर्माण हेतु किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। कुछ प्लास्टिक ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो इन्हें उष्मा देकर नर्म नहीं किया जा सकता, ये डैश 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 कहलाते हैं। दो उदाहरण हैं, बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक है। यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने के काम आता है। मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। यह फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन और कपड़े बनाने के उपयोग में लिया जाता है जो आग का प्रतिरोध करते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न आया हुआ है और प्रश्न आपका बेकेलाइट और मेलामाइन से है, लेकिन मैं आपको यहाँ याद करा देता हूँ, जब भी बेकेलाइट और मेलामाइन से संबंधित प्रश्न आए तो मैं पहले ऑप्शन पढ़ के आंसर दे देता हूँ, उसके बाद बातचीत करते हैं। ऑप्शन ए पॉलीथीन, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ऑप्शन सी थर्मोप्लास्टिक, ऑप्शन डी थर्माकोल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए बेकेलाइट और मेलामाइन से संबंधित सीटेट में प्रश्न आया हुआ है और यहाँ पे अगर प्रश्न पूछा जाए तो आपके सामने ऑप्शन दो आएंगे, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक को। थर्मोसेटिंग शब्द कैसे याद करेंगे, जो एक बार सेट हो गया हो, क्या हो, एक बार जो सेट हो जाए जिसको नर्म नहीं किया जा सके, सेट वही होता है जिसे नर्म नहीं किया जा सकता, तो याद रखिएगा थर्मोसेटिंग यानी सेट हो गया, यानी वो क्या है, बेकेलाइट है और मेलामाइन है। अगर वो सेट नहीं है तो क्या होगा, थर्मोप्लास्टिक है यानी उसे नर्म किया जा सकता है, वो गर्म करने पे गर्म जल डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो ऐसे प्लास्टिक को क्या कहेंगे, हम लोग थर्मोप्लास्टिक कहेंगे। अगर विकृत नहीं होगा उसमें देने पे वो नर्म नहीं होगा तो जाहिर सी बात क्या है, वो सेट हो गया है, यानी थर्मोसेटिंग कहेंगे। और इसके अलावा कहाँ कहाँ यूज होता है ये भी इसमें जरूर याद रखिएगा, और मेलामाइन के बारे में जरूर याद रखिएगा, मेलामाइन आग का प्रतिरोधक है तथा अन्य प्लास्टिकों के अपेक्षा उष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है। कौन रखता है, कौन, मेलामाइन। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बैकलाइट और मेलामाइन उदाहरण है। ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग, ऑप्शन सी पीवीसी, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी थर्मोसेटिंग। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। लोहे जैसी धातुओं को जब नमी और वायु में खुला छोड़ दिया जाता है तो उसमें जंग लग जाता है, परंतु प्लास्टिक जल और वायु से अभिक्रिया नहीं करते। प्लास्टिक हल्का, प्रबल और चिरस्थायी है तथा प्लास्टिक उष्मा और विद्युत की डैश 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 हैं, इसलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं और खाना बनाने वाले पात्रों के हत्थे इसके बने होते हैं। ऑप्शन ए कुचालक, ऑप्शन बी सुचालक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुचालक। उष्मा और विद्युत के ये क्या हैं, कुचालक हैं, इसीलिए बिजली के तार प्लास्टिक से ढके रहते हैं। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसे आप देख लीजिए। क्या आप जानते हैं प्लास्टिक का स्वास्थ्य देखभाल उद्योग में व्यापक उपयोग होता है। इनके उपयोग के कुछ उदाहरण हैं, दवा की गोलियों या टीकियों को पैक करने हेतु, घावों को सीने हेतु धागे, सिरिंज, चिकित्सकों के दस्ताने और विविध प्रकार के चिकित्सीय यंत्र। माइक्रोवेव ओवन में भोजन पकाने हेतु विशिष्ट प्लास्टिक पात्र उपयोग में लिए जाते हैं। माइक्रोवेव ओवन में उष्मा खाद्य पदार्थ को पका देती है परंतु प्लास्टिक पात्र को प्रभावित नहीं करती। टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल चिपकता नहीं है। जब भोजन पकाने के पात्रों पर न चिपकने वाली परत लगाने के काम आता है, याद रखिएगा कौन सा वो है, को टेफ्लॉन है। टेफ्लॉन एक क्या है, एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अग्निशह प्लास्टिक। यद्यपि संश्लेषित रेशे आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु यह जानना रोचक होगा कि आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर मेलामाइन प्लास्टिक की परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है।
मेलामाइन के बारे में दिया हुआ है, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसके बाद आगे है संश्लेष रेशों के बृहत निर्माण हेतु उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर इन्हें रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक नाम दिए गए हैं। ये पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रम से प्राप्त होते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है जैव डैश डैश कहलाता है। ऑप्शन ए हितौषी, ऑप्शन बी प्रदूषण, ऑप्शन सी अनिम्नीकरणीय, ऑप्शन डी सभी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अनिम्नीकरणीय। इसके बाद बहुत सारे हैं, इसे आप एक बार देख लीजिएगा कौन जैव निम्नीकरणीय है कौन जैव अनिम्नीकरणीय है। तो जैसे में अगर बात की जाए तो सब्जी और फलों के छिलके, बचा हुआ भोजन आदि 1 से 2 सप्ताह में ये ख़त्म हो जाता है, ये जैव निम्नीकरण है। कागज़ 10 से 30 दिनों में, ये भी जैव निम्नीकरणीय है। इसके बाद की कपड़ा है 2 से 5 माह में, जैव निम्नीकरणीय है। लकड़ी 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय है। ऊनी वस्त्र 1 वर्ष लग जाते हैं, जैव निम्नीकरणीय है। टीन, एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे 100 से 500 वर्ष लग जाते हैं, ये जैव अनिम्नीकरणीय है। प्लास्टिक थैलियाँ कई वर्ष लग जाते हैं, ये भी जैव अनिम्नीकरणीय है। तो याद रखिएगा, 2 हमें मिले, 3 एल्युमिनियम और अन्य धातुओं के डब्बे और प्लास्टिक थैलियाँ, ये जैव अनिम्नीकरणीय है, बाकी सब निम्नीकरणीय है। आगे हम बढ़ते हैं और ये प्रश्न आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको बना लेते हैं। रेयॉन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। अभी हमने पढ़ा था संश्लेषित रेशे में रेयॉन को, लेकिन नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए यानी क इसका रूप रेशम समान होता है, ऑप्शन ख इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ग इसके रेशे को प्राकृतिक रेशों के समान बुना जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका कौन सा होगा, ऑप्शन ख इसे कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे संश्लेषित रेशा नहीं कहा जाता है। और इसके साथ ही हमने आपको बताया था, जो आपके लिए मैं सोच रहा हूँ कि कमेंट बॉक्स में आप इसका उत्तर दें, हमने पूछा था कि फर्स्ट वो कौन सा संश्लेषित रेशा है जो पूर्णतः मानव द्वारा निर्मित रेशा है। इसके बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो संश्लेषित रेशे कृत्रिम अथवा मानव निर्मित रेशे भी कहलाते हैं। ख है संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो बहुलक कहलाता है। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी ये क्या है, बहुलक है। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए इसका। पॉलिएस्टर को, पॉलिएस्टर किससे संबंधित है को देखा जाए को पॉलिएस्टर कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते। याद रखिएगा, पॉलिएस्टर की चर्चा होगी तो क्या होगा, कपड़े में आसानी से बल नहीं पड़ते यानी सिलावटें उसमें नहीं पड़ती, हम स्टार्टिंग में इसको बता चुके हैं। और इसके बाद टेफ्लॉन, टेफ्लॉन किससे संबंधित है को टेफ्लॉन न चिपकने वाले भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग में लाया जाता है, ये भी बताए हैं अभी हम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। रेयॉन, रेयॉन किससे संबंधित है आपका, तो रेयॉन आपका कास्ट लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है। और रेयॉन किससे संबंधित है को ये रेशम से संबंधित है, कृत्रिम रेशम भी कहते हैं रेयॉन को। नायलॉन, नायलॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नायलॉन पैरासूट और मोजा बनाने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद चलते हैं, क्या आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्या आप जानते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, नायलॉन के बारे में दिया गया है, क्या है इंटरेस्टिंग, चलिए पढ़ते हैं। नायलॉन रेशम जैसा दिखता है, यह प्रबल और लचीला होता है। जब 1939 में नायलॉन सामने आया तो उसके मोहक गुणों ने जनता में सनसनी अथवा नायलॉन उन्माद उत्पाद कर दिया। इस नए रेशे से बने महिलाओं के मोजों की भारी मांग थी, परंतु दुर्भाग्य से द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ, 1939 से 1945 के चलते नायलॉन उत्पादन का अधिकांश भाग पैरासूट बनाने हेतु काम में लिया जाने लगा। युद्ध के बाद जब मोजों का उत्पादन पुनः प्रारंभ हुआ तो उनकी पूर्ति मांग के अनुसार नहीं हो सकी। इस उत्पाद के लिए एक भारी काला बाजार था,
एक जोड़ा मोजे के लिए महिलाओं को कई घंटे लाइन में लगना पड़ता था, कई बार नायलॉन उपद्रव भी हो जाते थे। तो ये था लेशन 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और महत्वपूर्ण बातें। तो आज इस वीडियो में इतना ही, हम जल्द ही कोशिश करेंगे नया वीडियो लाने का। तब तक आप बने रहें हिंदी क्लब पे। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।